हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्स और टेस्ट करने वाले हैं बहुत ही कमाल के इनलाइन स्केट्स। आप में से बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट में लिख रहे थे कि अच्छे वाले स्केट्स लाने के लिए, तो गाइस मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ बहुत ही अच्छे वाले और बहुत ही सस्ते वाले स्केट्स। तो चलिए दोस्तों, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। इन स्केट्स को मैंने खरीदा था अमेजोन से, इसका प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारे स्केट्स, देख सकते हो इनलाइन स्केट्स है गाइस। ये आपको यहाँ पे डिफरेंट साइज के भी मिल जाएंगे, मैंने लार्ज साइज मंगवाया है तो कलर भी आपको डिफरेंट मिल जाएगा। देख सकते हो ब्लू है, पिंक है, आप चाहे तो ब्लू भी मंगा सकते हो या फिर पिंक भी मंगा सकते हो, दोनों का प्राइस सेम है 1899। आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन स्केट्स को खरीद भी सकते हो। ये जो स्केट्स है इसके साथ एक बॉक्स भी मिलता है हमें, वो बॉक्स पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था यार, इसीलिए मैंने वो बॉक्स को हटा दिया है। तो इस तरह का एक प्लास्टिक कैरी बैग भी आ जाता है उस बॉक्स के अंदर, तो मैंने ये निकाला है उसके अंदर से। तो देख सकते हो यहाँ पे इसका ब्रांड लिखा हुआ है जैस्पो, साइज है यहाँ पे लार्ज। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इन स्केट्स को निकाल लेते हैं बाहर। दोस्तों, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। इन स्केट्स को सेट करने के लिए, इनके स्क्रूज खोलने के लिए इसके टूल भी मिल जाते हैं हमें, दो सेट है टूल के। तो अभी इसकी क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल स्केटर नहीं हूँ, मुझे जितना इसके बारे में जानकारी है उतनी ही बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो गाइस प्लीज़ हेट मत करना। तो दोस्तों, आप अगर कोई बिगिनर हो, स्केटिंग सीखना चाहते हो, तो यार इससे बढ़िया स्केट्स आपको शायद ही मार्केट में कहीं पर भी मिलेंगे, क्योंकि ये इनलाइन स्केट्स है। सीखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी पर गाइस मैं बता रहा हूँ, आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इन स्केट्स को यूज करके बहुत ही अच्छी स्केटिंग सीख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, चार व्हील्स लगे हुए हैं, तो व्हील्स की क्वालिटी तो मुझे ठीक ठाक सी लग रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट वाला व्हील है इसके अंदर LED लाइट्स भी लगाई गई है। यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे कमरे में लाइट्स बहुत ज्यादा है, मैं आपको बाहर ले जाकर बताऊंगा इसके अंदर लाइट्स किस तरह से आती है। ये स्केट जो है गाइस लेफ्ट साइड का है, तो लेफ्ट साइड में एक ब्रेक भी मिल जाता है हमें, इसे ब्रेक बोलते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी तरीके से मेटल का बना हुआ है। शू की क्वालिटी तो मुझे एकदम ऑसम लगी, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही हार्ड प्लास्टिक लगाया गया है, इसकी सोल भी बहुत ही हार्ड प्लास्टिक से बनाई गई है। तो इस तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शायद कुछ डिजाइन ग्राफिटी जैसा बनाया गया है, यहाँ पे लिखा है जैस्पो बोलकर। यहाँ पे देख सकते हो गाइस एक पुश का बटन है, आप इसे प्रेस करके इस शू का लेंथ बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, इस तरह से देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं जो शू पहनता हूँ वो 8 नंबर का होता है, तो मैंने इसे पहन के भी देखा है, बहुत ही कंफर्टेबली मैं भी ये पहन पा रहा था। तो यहाँ सामने की ओर देख सकते हो मेश लगाया गया है, यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल लेदर है, यहाँ पर भी मेश है। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ऑसम लगा गाइस, यहाँ पे इसके लेस है, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग जैस्पो बोलकर, यहाँ पे एक स्ट्रैप भी दिया गया है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, देख सकते हो इस स्ट्रैप को पूरी तरीके से खोल सकते हो। यहाँ पर भी एक चीज़ दी गई है गाइस, इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, मैं इसे भी आपको ओपन करके बता देता हूँ। आपको अगर पता है तो इसे क्या बोलते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। तो देख सकते हो इसे भी लगा कर आप इस तरह से टाइट कर सकते हो, यानी कि डबल सेफ्टी है इसके अंदर। इस तरह से लगाने पर आपका एंकल वगैरह मुड़ेगा नहीं। तो इसे ओपन कर देते हैं गाइस, यहाँ से बहुत ही हार्ड प्लास्टिक है यार ये। तो अंदर भी देख सकते हो कुशनिंग, बहुत ही अच्छी कुशनिंग दी गई है इसके अंदर। तो ये वाला शू भी मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्रेक वगैरह नहीं मिलता है गाइस, लेफ्ट साइड वाला जो शू है उसमें ही ब्रेक लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, ये स्केट्स प्रोफेशनल स्केटर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं। अगर आप कोई बिगिनर हो, अभी अभी स्केटिंग सीख रहे हो, तो इस तरह के स्केट्स आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। जो व्हील्स लगाए गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 70 mm वाले व्हील्स यूज किए गए हैं इसके अंदर,
व्हील्स की क्वालिटी तो मुझे ठीक ठाक सी लगी, पर मुझे पता नहीं है गाइस कितने दिन तक ये व्हील्स चल पाएंगे। तो गाइस मुझे तो बिल्कुल भी स्केट्स चलाना नहीं आता, मैं ये स्केट्स मेरे भाई को दूंगा, वो आपको चला के भी बताएगा और लास्ट में उसका एक्सपीरियंस कैसा है मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इन्हें खरीद भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, इन स्केट्स को टेस्ट करके देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चलिए दोस्तों इन स्केट्स को मेरे भाई ने कंटिन्यूअस 3 डेज तक यूज किया है। तो अभी देखते हैं इन स्केट्स की हालत कैसी है। तो देख सकते हो गाइस थोड़े बहुत स्क्रैचेस गिरे हैं, यहां पे इतना बड़ा स्क्रैच आ चुका है। तो अभी व्हील्स की हालत आप देख ही सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि गाइस ये व्हील्स शायद 2 से 3 महीने तक टिक पाएंगे, उसके बाद आपको व्हील्स जरूर से चेंज करने चाहिए। ये व्हील्स आपको स्पेयर में भी मिल जाएंगे अमेजोन पर, 70mm व्हील्स खरीदना होता है आपको। ओह माय गॉड, यहाँ पे देख सकते हो गाइस कितना बड़ा स्क्रैच लगा हुआ है। तो इस तरह के स्क्रैचेस कॉमन है गाइस, अगर आप कोई चीज सीख रहे हो तो वो प्रोडक्ट जरूर से डैमेज होगा थोड़ा बहुत। तो ये प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है गाइस, इसलिए मैं आपको बता रहा था अगर आप कोई बिगिनर हो तो इस तरह के आपको स्केट जरूर से खरीदने चाहिए। इसके ऊपर आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद कोई प्रोफेशनल स्केट्स आपको खरीदने चाहिए, क्योंकि यार वो बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। जहां तक मुझे पता है गाइस वो 5000 से लेके 8000 के बीच में मिलते हैं। तो ये वाला भी देख लेते हैं, तो इस वाले के ऊपर देख सकते हो उतना ज्यादा स्क्रैचेस नहीं आए हैं, तो यहाँ पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस गिरे हैं। तो मेरा भाई बता रहा था ये स्केट शूज उसे काफी कंफर्ट लगे, तो मैंने भी इसे एक बार पहनकर चलाने की कोशिश की है, पर गाइस मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा भाई ऑलमोस्ट 2 मंथ से स्केटिंग सीख रहा है, तो उसे थोड़ा बहुत चलाना आ जाता है, आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा। तो ओवरऑल गाइस मुझे तो ये स्केट्स बहुत ही अच्छे लगे, आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इनलाइन स्केट्स को खरीद भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी हम दे देते हैं शॉर्ट आउट। दोस्तों कल मैंने एक RC लिजर्ड की वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर जरूर से देख लेना गाइस, बड़ी कमाल की रोबोटिक लिजर्ड थी। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है शिवम मंडल, शुभांकर बैनर्जी, अमरिंदर गिल, अभिराम,
कामरान नाजीर, रिचा बाजपाई, कार्तिक अग्रवाल, ईशान द लेजेंड, आदित्य बनेत, पुनीत शर्मा, अश्वत पाई, सार्थक नितिन शिंदे, VFX हिमांशु, विजय, अक्षत चौहान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो जरूर से वीडियो पर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर भी कर देना। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और बार बोलना चाहूंगा, हैप्पी न्यू ईयर, खूब मस्ती करना और गाइस खूब से पढ़ाई भी करते रहना। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।